हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आरएल स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आइए आज मैं क्लास 10 यूपी बोर्ड का जो चैप्टर 2 का नेक्स्ट जो टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन, जिसे हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब आप इसको रेडी कर लेंगे, जो आपका एक्सरसाइज है 2.1, ठीक है, जिसमें शून्य ज्ञात करना है, जीरो फाइंड करना है, उसको आप इजीली फाइंड कर लेंगे। कार्तीय तल क्या होता है आपने नाम सुना होगा और इस प्रकार से बनाया भी होगा। ये पूरा जो हम मेंटेन करेंगे इसे हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। यहाँ पे होता है O, ठीक है, या जिसको 0.0 कहते हैं, मूल बिंदु होता है। ये होता है X, ये होता है X डैश, ये Y, ये Y डैश। यहाँ पे होता है प्लस, जब मूल बिंदु के आप राइट साइड दाहिने जाएंगे तो प्लस होगा और मूल बिंदु के बाएं तरफ आते हैं तो माइनस होता है। मूल बिंदु के ऊपर जब y एक्सिस में जाएंगे तो धनात्मक, मूल बिंदु के नीचे जब आप आएंगे y डैश एक्सिस में तो ऋणात्मक, ठीक है। और क्या होता है इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होता है धनात्मक होता है, इसमें एक्स की वैल्यू ऋणात्मक, वाई की वैल्यू धनात्मक होता है, मीन्स की माइनस प्लस। इसमें दोनों का निगेटिव होता है, मतलब एक्स कॉमा वाई दोनों माइनस में होते हैं। और इसमें क्या होता है एक्स का धनात्मक होता है और वाई का क्या होता है ऋणात्मक, इसमें होता है प्लस कॉमा माइनस। ये तो हो गया कार्तीय तल चतुर्थांश, ठीक है। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसे कहते हैं एक्स अक्ष और इसे कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। इसे एक्स अक्ष कहते हैं, इसे वाई अक्ष कहते हैं और ये ऊपर प्लस होता है। अब देखिए क्या होता है इसमें, इस पूरे को तो कार्तीय तल कहते हैं। अब जब कभी आपसे कहा जाए एक्स अक्ष पे, अगर एक्स अक्ष की बात होगी तो वहां पे क्या होगा वाई की वैल्यू जीरो, एक्स अक्ष पे वाई की वैल्यू और जब आपसे वाई अक्ष कहेगा, वाई अक्ष पे क्या होता है एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अब आइए हम आपके एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज जो 2.1 है, एक्सरसाइज जो आपका 2.1 है, 2.1 का जो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा हो गया। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट फिगर है बच्चों, ये आपका देखिए कार्तीय तल है, ठीक है, जो कि अभी मैंने बताया आपको वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश और यहाँ पे जीरो है, मूल बिंदु है और एक ऐसे लाइन खींचा गया, ये फिगर है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पे जब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों की संख्या तो क्या होता है, p
पी एक्स पे शून्य कोई संख्या, तो एक्स वाले लाइन को जितनी जगह पे कट किया जाएगा उतने यहाँ पे शून्य होंगे। तो ये एक्स और एक्स डैश ये लाइन है, इसको कहीं पे कोई लाइन कट किया है नहीं किया, ये जो मूल बिंदु है इसे छोड़कर। तो यहाँ पे अगर हम शून्य की बात करें तो शून्य बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। शून्य क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जो इसका सेकेंड फिगर है, अगर उस फिगर को हम लोग देखते हैं तो सेकेंड फिगर में क्या होगा दोस्तों, सेकेंड फिगर जो आपका है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये एक्स एक्स डैश है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये वाई वाई डैश है, ठीक है, और इस प्रकार से कुछ आपका फिगर बना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को कितनी जगह कट किया गया है, एक बिंदु पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर एक। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसके जितने भी प्रश्न है सबको हल कर लेंगे, ठीक है। अगर इसमें हम क्या करें थर्ड को देखें, तो जो तीसरा इसका प्रश्न है उसमें जो शून्य को भी संख्या होगा वो कितना होगा, 1 2 3, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया गया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर हम जो इसमें का फोर्थ फिगर है आपके पास बुक होगा, अगर फोर्थ फिगर को देखें इसमें शून्य को की संख्या कितना होगा, 2 होगा। चौथे आकृति में शून्य को की संख्या 2 होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं यू के जैसा ये बना हुआ है, 2 जगह पे इंटरसेप्ट किया हुआ है। अगर हम पांचवें फिगर की बात करें तो इसमें कुल शून्य को की संख्या कितना हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से फिगर है, आप देख रहे होंगे जो पांचवा फिगर है कुछ इस प्रकार से बना है। तो एक यहाँ कट किया, एक यहाँ, एक यहाँ, तो शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4, ठीक है। और जब छठवें आकृति को हम लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका बना हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश होगा, और यहाँ पे मूल बिंदु ओरिजिन है, ठीक है। शून्य को भी संख्या इस प्रकार से कुछ आकृति बना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से शून्य के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ से अगर हम शून्य को देखें इस आकृति में आपके शून्य को भी संख्या क्या है, 5 है। तो ये रहा इसे 2.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू।